हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल। दोस्तों एक तरफ मेक इन इंडिया की तरफ से जो कैशलेस आने की डिजिटल तरह से सारे कामों को जो सो किया जा रहा है, और एक तरफ दोस्तों डिजिटल तरीके से जो सो फ्रॉड भी हो रहा है। ठीक है, आज हम तीन एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है, और उसे जो सो बहुत सारे यूजर जो सो यूज करते हो तीनों एप्लीकेशन को। और उसमें दोस्तों अभी जो सो बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, बहुत सारा ऐसे साइबर अपराध है, अपराधी हैं जो कि हर तरह के स्कैम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर दुकान दिया है और वो उसे उस सब का बारे मालूम नहीं है, उसे ऑनलाइन के बारे में मालूम नहीं है, तो वो जब जो लोग ठगी करते हैं वो जो सो वही लोग के पास जाते हैं जो लोग बेवकूफ होते हैं, जो लोग को कुछ जानकारी नहीं रहता है। ठीक है, जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, छोटे मोटे जो कि व्यापारी होते हैं, उन लोगों के पास जाके उन लोगों को जो सो ठगी करते हैं। तो ठगी कैसे करते हैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हो गया एक फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, ये तीनों एप्लीकेशन दोस्तों बहुत ही यूजफुल हो गया और बहुत सारे लोग जो सो इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अधिकतर आप छोटा से छोटा दुकान और बड़ा से बड़ा दुकान में आप देखते होंगे तो ये तीनों का जो सो मिनिमम फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, ये तीनों का स्टिकर लगा रहता है। ठीक है, बिजनेस में बारकोड लगा रहता है कि उसमें जो सो पेमेंट रिसीव कर सकता है, यानी कि कस्टमर का पेमेंट जो सो वो व्यापारी जो सो ले सकता है। ठीक है, दुकानदार वाला जो सो ले सकता है। लेकिन दोस्तों उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे फेक स्क्रीन शॉट बना के जो आदमी नहीं जानता है, जो कस्टमर जो व्यक्ति नहीं जानता है उसके बारे में, उसे दिखा करके बेवकूफ बना करके जो सो पेमेंट वो आपका पेमेंट जो सो भेज दिए हैं और भेजता नहीं है। ठीक है, यानी कि ठगता है लोगों को, बेवकूफ बनाता है कस्टमर लोग को, व्यापारी लोग को। ठीक है, तो आपको व्यापार बेवकूफ नहीं बनना है तो उन लोग कैसे आप ये काम करता है, तो आपको इस ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको पहचानना है, किस तरह से आप उन लोग जो सो किस एप्लीकेशन से बनाता है। तो इस वीडियो क्लास तक बने रहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, ये तीनों एप्लीकेशन का फेक स्क्रीन शॉट कैसे बनाया जाता है। किसी को आप पेमेंट सेंड करते हैं तो उसमें जिस तरह का आपका स्क्रीन शॉट आता है जो सक्सेसफुल का, उसे जो आप फेक स्क्रीन शॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फेक स्क्रीन शॉट बनाने के लिए दोस्तों आपको आ जाना है अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक यहाँ पे देखिए हमारा शेयर करो के बगल में प्रैंक पेमेंट का एक एप्लीकेशन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको जो सो क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड करना है, इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे प्रैंक पेमेंट जो सो हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, ये दोस्तों एप्लीकेशन जो सो क्रोम ब्राउज़र से अपना आपको करना है, क्योंकि दोस्तों ये प्ले स्टोर से जो सो बैन कर दिया गया है। ठीक है, आप प्रैंक पेमेंट लिखिएगा दोस्तों, फर्स्ट में जो वेबसाइट आएगा उससे आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, करने के बाद दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल फोन में, उसके बाद इसे ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, आपको थ्री डॉट में लेके चलता हूँ यहाँ पे, इस तरह देखिए इस तरह इसका लोगो रहेगा ब्लैक कलर के, प्रैंक पेमेंट लिखा रहेगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसी एप्लीकेशन दोस्तों लोगों को जो सो बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको किस तरह बनाना है, तभी हम पहले अपना पेटीएम को बना लेता हूँ। ठीक है, आपको पेटीएम को बना के दिखा देता हूँ। दोस्तों आप जिस भी कस्टमर को भेज रहे हैं, जिस भी दुकानदार को भेज रहे हैं, आपको सिंपली वहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है टेक पवन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक पवन ही लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा, ये हमारे यहाँ से मोबाइल नंबर यहाँ से 10 डिजिट का डाल हो गया। ठीक है, आप दोस्तों कितने का फेक स्क्रीन शॉट बनाना चाह रहे हैं पेटीएम का, उसको यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे हम 51। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे डेट और टाइम आपका जो मोबाइल फोन में रहेगा वो जो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो आपको एडवांस पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे देखिए एडवांस सेंड लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि आप पेटीएम से किसी को पेमेंट भेजते हैं तो वहाँ पे नीचे शो करता है कि आपके वॉलेट में फिर कितना बैलेंस जो सो बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5000 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक UTI ट्रांजेक्शन नंबर रहता है। ठीक है, वॉलेट ट्रांजेक्शन नंबर, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नंबर यहाँ पे अपना टाइप कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो पेटीएम का फेक स्क्रीन शॉट जो सो किस तरह से बन गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट और सक्सेस यहाँ बता रहा है, सेंड सक्सेसफुली टू टेक पवन, यहाँ पे मोबाइल नंबर बता रहा है, डेट बता रहा है, और वॉलेट ट्रांजेक्शन ID भी बता रहा है। यहाँ पे अपडेट वॉलेट बैलेंस आने की, आपका वॉलेट में जो सो कितना बैलेंस बचा है, एड मनी देखिए, व्यू पासबुक, मोर प्रोफाइल, नोटिफिकेशन, होम, सारा चीज़ जो सो इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, आप इस तरह से जैसे देखिए
टू कॉपी दोस्तों, जो आदमी जो दुकानदार जो आदमी नहीं जानता है कि ओरिजिनल वाला किस तरह से दिखता है और फेक वाला किस तरह से, उसके दोस्तों बहुत सारे लोग दोस्तों फेक बना के इसी तरह से लूटते हैं, ठीक है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अगर किसी के साथ प्रैंक करना है तो आप उसके साथ ये कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं अभी पेटीएम का दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको दोस्तों फोनपे का दिखा देता हूँ। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर से होम में आ गया हूँ और मैं यहाँ पे अभी फोनपे पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको जिसको भेज रहे हैं उसका फिर से यहाँ पे आपको नाम टाइप करना है। अभी फिर हम नाम टाइप कर लिया हूँ टेक पवन। ये आपको दिखाने के लिए बना, ये आपको जानकारी देने के लिए दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे काट लेता हूँ पूरा नाम टेक पवन, आपको यहाँ किसी भी नाम लिख देना है। उसके बाद दोस्तों उसका नाम लिखना है तो यहाँ फिर से मैं नाम मोबाइल नंबर लिखना है, सॉरी यहाँ पे रिसीवर मोबाइल फोन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ फिर से मैं फोन नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों उसका बैंक में क्या नाम है, तो बैंक में जो नाम उसका रहता है वो सेम रहता है वहाँ पे फोनपे नंबर में भी, यहाँ पे उसका फिर से नाम लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेज जो है अकाउंट नंबर आपको टाइप करना है, ठीक है, आप जो भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट फिर से मैं 5100 रुपये ले लेता हूँ। उसके बाद पे ऑटोमेटिक फिर से इसमें डेट और टाइम ले लेगा। उसके बाद आपको सिंपली एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ आपका जो सो ऑप्शन बढ़ गया, ठीक है, एक यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी हो गया और यूटीआर नंबर। फोनपे में आप लोग देखते होंगे दोस्तों यूटीआर नंबर अलग से रहता है और ट्रांजेक्शन आईडी अलग से, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन आईडी थोड़ा लंबा रहता था, आपको टी लिख के कुछ जो सो आपको नंबर टाइप करना है, ठीक है, कुछ भी नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और यूटीआर नंबर दोस्तों 11 डिजिट का रहता है, 11 डिजिट आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो सो ये फोनपे का फेक स्क्रीनशॉट जो सो बन गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट फोन पे सपोर्ट भी लिख रहा है, टू कॉपी दोस्तों उसी तरह बता रहा है, यहाँ पे यूटीएल नंबर बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आई डी बता रहा है, डेट टाइम बता रहा है, और यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली का बता रहा है, ठीक है। अभी मैं एक और आपको बताया हूँ कि यहाँ पे देखिए टेक पवन यहाँ पे वेरीफायर भी बता रहा है दोस्तों ये एप्लीकेशन से। और आपको फिर से मैं गूगल पे के बना के दिखा देता हूँ कि वो जैसे कैसे काम करता है। यहाँ पे सिंपली फिर से मैं टेक पवन नाम लिख लेता हूँ, उसको यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। उसको यहाँ पे यूपीआई रिसीवर यूपीआई आईडी पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको मोबाइल नंबर ही डाल देना है। यहाँ पे यूपीआई डालना दोस्तों, ठीक है, तो YBL IBL कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेंडर का नाम लिखना है, ठीक है, तो आप भेज कौन रहा है तो हम पे उल्टा नाम लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पवन लिख देता हूँ। और यहाँ पे सेंडर यूपीआई आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे पवन @ IBL, ठीक है। इसी तरह दोस्तों तो आप लोग देखे होंगे जो यूपीआई होता है इसी तरह रहता है, ठीक है, @XEL पेटीएम कुछ भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं अकाउंट को ले लेता हूँ, एडवांस पे करता हूँ, यहाँ पे डेट और टाइम तो ऑटोमेटिक लेगा। उसमें दोस्तों इसमें भी जो आपको कुछ जो सो 11 डिजिट का ट्रांजेक्शन आई डी टाइप करना है, ठीक है। अगर 11 से ज़्यादा भी देंगे तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे दोस्तों ट्रांजेक्शन गूगल ट्रांजेक्शन आई डी जो यहाँ पे आपको वर्ड में रहेगा, ठीक है, आपको कुछ कुछ वर्ड टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो गूगल पे का फेक स्क्रीनशॉट जो इस तरह से बन के तैयार हो गया। यहाँ पे देखिए पे लिखा हुआ, रिक्वेस्ट लिखा हुआ, जो मैं बॉक्स रहता है मैसेज भेजने का वो जो भी यहाँ से जो सो दिया हुआ है। अब इसी ट्रिक से दोस्तों आसानी से तीनों का जो सो फोनपे पेटीएम और गूगल पे का तीनों का फेक स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। अगर आप किसी के साथ प्रैंक करना चाहते हैं तो